हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रीपोजिशन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें से हमें प्रीपोजिशंस को पहचान कर अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, द पर्स इज ऑन द टेबल में ऑन को अंडरलाइन करेंगे, द डॉग अंडर द बेड में अंडर को अंडरलाइन करेंगे, द स्क्विरल क्लाइम्ड अप द ट्री में अप को अंडरलाइन करेंगे, द डांस क्लास इज एट 7 PM में एट को अंडरलाइन करेंगे, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग में इन को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है उसका किसी और चीज के साथ रिलेशन बताने के लिए। जैसे कि द बेबी इज ऑन द बेड, तो बेबी का बेड के साथ बताया जा रहा है रिलेशन की बेबी कहाँ पर है बेड के, ऑन मतलब ऊपर है। शी क्लाइंब अपॉन द रूफ में अपॉन, द रेट इज इन द किचन इन, द ड्राइवर जम्प इन टू द पूल तो इन टू। इस तरह से ये जो कुछ कॉमन प्रिपोजिशंस हैं जैसे कि एट, बाय, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, इन टू, सिंस, विद, टू, ये सभी प्रिपोजिशंस हैं। तो बच्चों, थ्री काइंड्स की प्रिपोजिशंस होती हैं, सिंपल प्रिपोजिशंस, कंपाउंड प्रिपोजिशंस और फ्रेजल प्रिपोजिशंस। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि छोटी होती हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एट, बाय, फॉर, इनटू, इन, फ्रॉम, ऑफ, वन, पुट, ये सभी सिंपल प्रीपोजिशन है। एट का प्रयोग हम दो मीनिंग्स में करते हैं, एक तो स्पेस की पोजिशन, स्पेस में पोजिशन बताने के लिए, और दूसरा एक टाइम बताने के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट टाइम बताने के लिए, जैसे कि देयर इज समथिंग सीरियस एट द एंड ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पर स्पेस की पोजीशन बताई गई है, आई एम एट ऑफिस, तो पर्टिकुलर टाइम बताया है। बाय का प्रयोग हम किसी प्लेस के बारे में, नेक्स्ट टू, नियर, मेथड या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले करते हैं, जैसे आई गो टू वर्क बाय कार, तो ट्रांसपोर्ट किसे पहले किया, बाय मेल, बाय हिम, बाय कार, इस तरह से हम बाय का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग किसी बेनिफिशरी रिसिपेंट के लिए किया जाता है, जैसे आई हैव अ गिफ्ट फॉर हर, आई हैव अ चॉकलेट फॉर यू, आई ही सैंग ए सॉन्ग फॉर मी, द गर्ल्स वर स्क्रीमिंग फॉर हर। फ्रॉम का प्रयोग डिपार्चर के लिए, सेपरेशन, जब दो चीजों का अलगाव होता है, अलग होते हैं, तब यूज किया जाता है, जैसे स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, आई केम फ्रॉम द यूके। इन का प्रयोग किसी लोकेशन या किसी इनसाइड बताने के लिए, किसी प्लेस टाइम के लिए किया जाता है, जैसे द रैट हाइड्स इन द बॉक्स, माई बर्थडे इज इन सेप्टेम्बर, देर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। इनटू का प्रयोग किसी मोशन में, किसी एंट्रेंस में या किसी कॉन्टेक्ट के लिए किया जाता है, जैसे ही थ्रू द लेटर इन टू द फायर, शी डाइव्ड इन टू द वॉटर, ही कट्स द पिज्जा इन टू 6 पीसेस। ऑफ का प्रयोग कनेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे शी इज ए गेस्ट ऑफ माई फैमिली, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजार्ड। OFF ऑफ का प्रयोग सेपरेट होने के लिए किया जाता है, जैसे आई हैव गोन ऑफ जंक फूड, शी गॉट एंग्री एंड वॉकड ऑफ। ऑन का प्रयोग किसी प्लेस, मूवमेंट या मीन्स ऑफ ट्रेवल को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, द डॉग इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, माई फ्रेंड इज ऑन द वे। अब हम इनसे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक में हमें प्रीपोजिशंस फिल करनी है, जैसे कि माय आंट लिव्स इन USA, द चाइल्ड विल रिटर्न बाय सनसेट, स्वाति इज द डॉटर ऑफ एन इंजीनियर, रीना रीचेज स्कूल एट 7 o'clock, इट इज गुड फॉर हेल्थ, दीज स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन, स्नेहा वॉज लुकिंग फॉर हर फ्रेंड, शी इज एट होम। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और उसके ब्रैकेट में जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनकर सेंटेंस पूरा करना है। जैसे कि आयुष यूज टू प्ले टेनिस ऑन संडेज, माय सिस्टर्स बर्थडे इज ऑन द 7th of December, माय बर्थडे इज इन जून, वी आर गोइंग टू सी अवर ग्रैंड पेरेंट्स एट द वीकेंड, इन 1988 ए ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन द सिटी, I don't like walking alone in the streets at nights. Thank you.